Hello student, in previous lecture we have explained about the diffraction phenomena due to double slit. Now it's time to calculate the intensity in diffraction due to two slit. Hum double slit mein diffraction, double slit diffraction case mein ab intensity distribution dekhenge kaise hoga. Jaisa ki single स्लिट के केस में क्या हुआ था, डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व था, बट डबल केस में, डबल स्लिट के केस में क्या है, इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रेक्शन दोनों हैं. तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे, ये डायग्राम बिल्कुल सेम है. फर्स्टली क्या लेंगे, हम इंटरफेरेंस का केस लेंगे. इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, आपकी दोनों स्लिट के बीच के जो पॉइंट हैं जिनके बीच की सेपरेशन ए प्लस बी है वो कलेक्ट होंगे पी पॉइंट, पॉइंट पी पे. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिए वो दो पॉइंट ए और सी. सो टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज रेज, दीज टू रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू एफ, देन सी एफ विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज. ठीक है, सो सी एफ विल बी इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज ए प्लस बी. Corresponding phase difference will be 2 beta is equal to 2 pi by lambda a plus b sin theta. In diffraction case we were taking a phasing part 2 alpha, and in interference phenomena we are taking phasing part as 2 beta. ठीक है, ये 2 alpha, ये हो गया आपका interference का part और ये हो गया diffraction का part. अब आपको पता है कि P O is the point corresponding to central maxima on the screen, and P where we want to calculate the intensity. ठीक है, अब पी पॉइंट पे हमें जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको वो फाइंड आउट करना है. तो कैसे मिलेगा, एक तो इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों स्लिट से होगा वो इंटरफेरेंस मिलेगा यहाँ पे पी पे, दूसरा इंडिविजुअल स्लिट से जो डिफ्रेक्शन हो रहा है वो मिलेगा. तो दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे आपको, फर्स्ट एक स्लिट से और दूसरा दूसरी स्लिट से. तो क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई वन एंड वाई टू एट पी ड्यू टू रेज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्लिट्स रिस्पेक्टिवली, वाई वन विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस टू बीटा. दिस फर्स्ट इक्वेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफ्रेक्शन एंड सेकेंड कंडीशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटरफेरेंस, वेयर ए इज द, ए क्या है आपका, ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा. ये जो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट किया था हमने वहाँ पे एज इट इज. ठीक है, ए क्या था आपका, ए नोट क्या था, एन इन टू आर था. ये देखिए, ये देखिए एन इन टू आर, एन क्या था, एन जब हमने सिंगल स्लिट को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो वो वैल्यू है ये एन, और आर क्या था, हर एक वेव की जो एम्पलीट्यूड था सेम एम्पलीट्यूड. ठीक है, नाउ अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वाई वन और वाई टू को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस टू बीटा, ए कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाए, साइन ओमेगा टी प्लस टू बीटा. अब ये फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ से, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा लीजिए. जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू. जब आप इसको खोलोगे तो ए प्लस बी बाई टू और ये ए माइनस बी बाई टू, ये कॉस माइनस बीटा आएगा, बट कॉस माइनस थीटा वी कैन पुट कॉस थीटा. निकाल लीजिए यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी. ठीक है, अब आपके पास ये आ गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो फेजिंग पार्ट होता है, आपको पता है साइन एंगल वाला. तो जो ये पार्ट है ये आपका क्या है, दिस टू ए इंटू कॉस बीटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है, जो आपकी रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड ये है 2a cos बीटा. a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा इन टू कॉस बीटा. इफ एम्पलीट्यूड इज दिस देन इंटेंसिटी विल बी स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये आ जाएगा आपके पास. अब देखिए क्या है, 4a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई अल्फा स्क्वेयर. अल्फा वाली जो पार्ट है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, और जो कॉस स्क्वेयर बीटा वाला पार्ट है
दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू सुपर पोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू स्लिट्स दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट विच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ ए प्लस बी. नाउ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बिल्कुल सेम केस है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. वही कंडीशंस आ जाएंगे आपकी मैक्सिमा और मिनिमा की. ये देखिए अल्फ़ा टेंस टू ज़ीरो, ये मैक्सिमा की थी जहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था. मिनिमा में क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी. बिल्कुल सेम है, कर लेना. ये पोजिशंस हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है. इंटरफेरेंस फ्रिंजिस देखिए, दैट इज़ कॉस स्क्वेयर बीटा. मैक्सिमा कब बनेगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमा दैट इज़ वन के इक्वल हो. कॉस स्क्वेयर बीटा वन के इक्वल हो. वन के इक्वल कब होगा, जब बीटा आपका प्लस माइनस एन पाई हो, ठीक है. बीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा. यहाँ से ये देखिए बीटा क्या आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा, पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, वेयर एन इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है. हम इंटरफेरेंस के केस में ज़ीरो भी लेंगे, बट हमने जब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या था, ज़ीरो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए था और सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशंस आपकी एन इक्वल टू वन टू थ्री से शुरू होती थी. बट इंटरफेरेंस में हम सेंट्रल क्योंकि इंटरफेरेंस का अपना एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा और डिफ्रेक्शन का एक अपना सेंट्रल मैक्सिमा होगा. हर एक डिफ्रेक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में और सेकेंडरी मैक्सिमा में बहुत सारे इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा लाई करेंगे. समझ में आ गया, ठीक है. ये क्या दिखा, इस फिगर में क्या दिखा रखा है आपका, डिफ्रेक्शन पैटर्न वाला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिर्फ डिफ्रेक्शन. अब देखिए, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल द पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा. अब इसकी पोजीशंस निकाल लीजिए यहाँ से, जब बीटा की वैल्यू दी हुई है आप, बीटा पता आपको पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, एन की वैल्यू पुट करते जाइए, ज़ीरो वन टू थ्री, ज़ीरो लैम्डा ए बाई बी, टू लैम्डा ए प्लस बी सॉरी प्लस माइनस थ्री लैम्डा बाई ए प्लस बी, ठीक है. थीटा इक्वल टू जीरो कॉरस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस, ये बता दिया मैंने आपको. नाउ एज वेल एज दैट ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जैसा कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा में सेंट्रल सॉरी इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा के केस में एन इक्वल टू जीरो है, वैसे ही सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी एन इक्वल टू जीरो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आता है, ये बता दिया. अब इंटरफेरेंस मिनिमा कब बनेगा, जब आपकी कॉस स्क्वेयर बीटा है वो ज़ीरो हो जाए. ज़ीरो कब होगा, व्हेन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो, मतलब व्हेन एंगल विल बी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. निकाल लीजिए साइन थीटा, निकाल लीजिए एंगुलर सेपरेशन आ जाएगी आपकी यहाँ से, प्लस माइनस टू एन प्लस वन लैम्डा ओवर टू बाई ए प्लस बी. ये आपको कहाँ से निकल रही है, ये बीटा की वैल्यू है ना, जो ये टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और वहाँ पे क्या थी आपकी बीटा की वैल्यू एन वाई. ये यहाँ पे पुट कर लीजिए, बीटा की जगह आप एन पाई पुट करोगे यहाँ पे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, और मिनिमा के केस में बीटा की वैल्यू ये यहाँ पुट टू एन प्लस वन पाई बाई टू पुट कर लीजिए तो आपकी ये आ जाएंगी, एंगुलर वैल्यूज आ जाएंगी. सो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस मिनिमा की पोजिशंस क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, वैल्यू पुट कर दीजिए. फर्स्ट इंटरफेरेंस मिनिमा कब बनेगा एन इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड मिनिमा कब बनेगा एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन. इफ़ वी वांट टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा और कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस मिनिमा, यहाँ से निकाल लीजिए, इसमें से ये लेस करोगे तो इसमें से ये लेस करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाई ए प्लस बी, इसमें से ये करोगे तो भी ये आएगा और इसमें से ये करोगे तो भी लैम्डा बाई ए प्लस बी आएगा. सिमिलरली इन केस ऑफ इंटरफेरेंस मिनिमा, इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्स मिनिमा देन इट विल बी सेम, दैट इज लैम्डा ओवर ए प्लस बी. बट 3.14 दैट इज दिस, वो जो आपकी सिंगल स्लिट वाली केस थी, ठीक है, इज मच स्मॉलर एज दैट ऑफ मिनिमाज ऑफ अ सिंगल स्लिट. दिस लाइज वेल विद इन द सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. सो इट्स क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम. 3.14 फिगर देखिए, ये क्या है,
द एंगुलर सेपरेशन लैम्डा और ए प्लस बी इज मच स्मॉलर कंपेयर टू मिनिमाज ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में तो सिर्फ ए आता है नीचे, और इंटरफेरेंस के केस में क्या आता है आपका ए प्लस बी। सो दिस टर्म विल बी मच स्मॉलर देन द सिंगल स्लिट सेपरेशन। तो क्या आ जाएगा आपका, दीज लाई वेल बिटवीन विद इन द सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो आपके जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा होंगे वो डिफ्रैक्शन के एक मैक्सिमा के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे ये तो इंडिविजुअली दिखा रखे हैं, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए है आपका डायग्राम, एंड दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डबल स्लिट डिफ्रैक्शन इन विच दीज आर द इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जो ब्रॉड लाइन है ऊपर वाली दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द एट लैम्डा बाई ए पता है आपको, दिस इज लैम्डा बाई एट लैम्डा बाई ए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये क्या है इनके बीच हर एक देखो, और ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है और ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में बहुत सारे आपके इंटरफेरेंस मिनिमा और मैक्सिमा मिलेंगे विद इक्वल एंगुलर सेपरेशन दैट इज लैम्डा ओवर ए प्लस बी। ओके,